हेलो भाइयों, ये देखिए दिनेश पवार आज हमारे सामने फिर से शामिल हो गया। तो दिनेश पवार क्या कह रहे हो आप? भाई घर से आगे इसकी डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी करते? अरे किसको? अरे तेरे से अरे कहाँ कर रहे हो? तेरी दीवार पे स्क्रैच बांध दी है भाई। ये मत कहिएगा कि इसको आपने धूप में बांध रखा है इसलिए बांधा हुआ, क्योंकि ये सबको खाने लगा है कुत्ता। ये देखो दिनेश यहाँ पे नया कुछ खरीद के लेके आया है। ये मेज है। ओए शेरा बाबू रुक जा। ये और एक ये चीज और अभी दिनेश से हम पूछेंगे। अभी इसको कल नए खेत लिए थे ना, उसके लिए आ रही है ये सामान। अच्छा हाँ जी, तो तू खरीद के लाया हो कहीं ने? हाँ जी। कितने रुपया के? ये 18,000 की है, मेज है। हाँ 18,000 की कल्टीवेटर है। तू का कब में ले आयो भाई? कल आ गई थी। हमें तो पता ही ना चली, आपको तो दिखना नहीं। रात उतार दिए 9 बजे यही। अच्छा ये यू कितना भौंक रहा है, खोल दे आए या चुप करवा दे आए? भौंक जा रहा है। ये देखो भाई ऐसे इसकी असेंबली होती है यहाँ पे, इनसे खेत जोता जाता है। अभी एक नए खेत लिए हम लोगों ने, तो उसकी मतलब उसको जोतने के लिए वो कैसे कलर खेत है ना वे। नहीं, अरे वैसे मतलब टाइट है, बहुत टाइम से वो बुवे जुते नहीं है ना, तो उसको बोने जोतने के लिए दिनेश ने ये नए औजार लिए है, बिल्कुल नए। और खुल का आगो देखो इसलिए बांधना पड़ता है। देखो भाई देख रहे हो ये इस तरीके की हरकतें करता है। अब ये कुत्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, देखना। अब इसको ना हमको खुद अपने फार्म में घुसने के लिए अब हमको खुद को डंडा या कुछ भी गेट पे रखा हुआ है उसको लेके घूमना पड़ता है। यहाँ पे किसान भाई की देखिए कितने जोर की चीज़ किसान भाई ने यहाँ पे खरीदी है। और शेर आए नीचे, वाह बहुत जान है भाई। तो मैं तो ये आए काई में पिकअप में बुलेरो में हैं, जैसे कोई आदमी आते हैं ना सर, आ जाओ आप इधर आके। अब हमको जो कुरियर नहीं मंगाते उसमें, हाँ उसमें आया था इधर के कुरियर, उसमें रख के पिकअप में रख के बुलेरो में। तो कहाँ से आया था? सीधा होटल से। होटल? हाँ होटल से कैसे खरीदा आप? और इसमें लिखना रहता है मटर होटल। पलवल नहीं मिलता क्या? ये पलवल सस्ता महंगा, पलवल में महंगा है। हाँ जी जैसा आप बोल रहे थे सेल तो सेल में सिलाए हैं जी, इनकी भी सेल लगती है जी। कितने रुपए का बताया दोबारा? पलवल में तो 21,000-21,500 का तो मेज है और 35,000 का तो कल्टीमीटर है। और होटल से लाए थे सेल में से 18,000 की तो मेज आ गई है और 28,000 की कल्टीमीटर दे दी। कितना रुपए का फर्क है आप बता दो? 2,000 का भाड़ा लगा इसके। वाह, और वो हेरोन मेरोन वो सब? तो हेरोन मेरोन सब चीज तो हैगी, वो सब है गया। अब इससे आप खेती करोगे? अब इससे खेती करेंगे, इसके ऊपर है लकड़ी की मेज जो रह रही हूँ वो नहीं चल रही, अब यही चल रही है। मैं लंबी बेल लगा ले और जगह चलेगी ऐसे। चल अरे ऐसे तो मुरने में दिक्कत ना देगी क्या? यू उठ के चल रही है, हमें बेल लगा दे लंबी। अब बीच में अड़ रही है, अड़ रही है यू तो बेल लेकर। लंबी बेल ले आनी है। बेल लिया बेल भाई। यहाँ पे इसने दिनेश ने फार्म में इसकी डिलीवरी ली थी, अब इसका घर ये पूजन कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज आई है तो पहले उसको पूजन शुद्ध करिया पहले ऐसे फंसा दी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अब यूं वैसे चल रही है पीछे पीछे। हाँ हाँ बैठ 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 है जी। मेरी आगे ना फंसेगी। रोक ले यार। अरे बेल लगा दे। चलिए आगे के। ओह अभी फार्म पे घर बैठे हैं। आगे। ओ हाय रवि सौरभ, बहुत दिनों के बाद आज आप हमारे घर पे आए, थैंक यू सो मच। अच्छा तू होटल से आई, मैं बैठ के आया होगा पिकअप में ही? मैं यहाँ बैठ के आया पहले। तो ये आपने आप लेके आए थे क्या इन लोगों की चीजों को? चलो वेरी गुड भाई। यहाँ पे सब बहुत चिल्लाते हैं ये लोग, बहुत वेरी बैड लोग है ये, चिल्लाते बहुत है, आराम से प्यार से कोई काम नहीं करते। तुम पे एक यूना नहीं कर रहे हो? बता दिया नहीं। कैसे झाड़ के बालक हो तुम? अरे अरे भैया अरे यहाँ मैट दी है पीछे के निकली आवेगी। हाँ। वाह तुमने तो अच्छा काम कर दिया गाइस। देखिए गाइस इन लोगों ने तो बहुत ब्यूटीफुल काम कर दिया है। दिया थोड़ी पीछे के लाल किसी आप मैट दी है अर्जी दी है चले गले ली ले तू या बल्ला छोड़ दे अब जान लगाओ तुम। ओ
आगे बग्गी भाई मैं बताऊंगा या नीचे के लेके फिर ऊपर ऊपर के ले ले ऐसे मोड़ के यू मुड़ के अपने आप चली जाएगी ऐसे का जा रही है ऐसे ना जा रही है। अब अरे मैं तुम्हें बताऊं क्या कैसे होगी नीचे के यू या मर जाए फिर ना तो इन मर जा रही है। हाँ तो तुम इसको उठाओ फिर ये घूम घूम के अपने आप आएगी। अरे गुरुजी लिख रहे हैं तो जब यू या मर जाए पहले तो सुन नीचे देखे हम गुस्सा लग लगाइए एक बार दोबारा करके देखा भाई इनकी साइंस देखते ओ दिनेश एक बार दोबारा कर अब क्या करके दिखाइयो कैसे कर रहे हो नीचे कहियो हाँ कर हाँ अब हाँ आ अब यार निकालो घुमा के हाँ हाँ सुने या खड़े ऐसे रख हाँ ऐसे रख खड़वा को हाथ बच जा भाई हाँ मेरी उंगली झट जैसे तेरे मेरी उंगली को नाश करो अब क्या यू कर यू नाभ की घूमे को यू जब यार इतनी ले बको तू वाह फंसा दियो तो फंस गया भी दे यू हथौड़ा ले का हथौड़ा तो निकलेगी तेरी ले डिलीवरी लेने जा रहा कहीं मेरे क्या मैं लंबी बेल लगे करे चलो लिफ्ट उठाते हैं तो ये उठा दूं ये चीजों का ना कोई ब्रांड नहीं होता देखिए ऐसे कुछ भी नकली ब्रांड नॉन नेहरा एग्रो इंडस्ट्री कुछ भी दुकान का नाम होगा ये और लिए थोड़ी सी हाथ हटा ले कभी बिच जाओ और उठाओ और उठा ना अभी मैच में ना बन रही बात फंस गई हो और उठा आ गई देखो भाई न्यू परचेजेस हो रही है गांव में खेती के लिए आराम से वजन बहुत अच्छे निकल गई बेल लिया बेल उल्टा खड़े करवा कर रहा हूँ भाई तो यहाँ पूछेगा ना मैं कहीं बांध के ले जाऊँ फिर यार हाथ ते ले चल ओए ओए हाथ ते ले चल रे यार अब यहाँ पे और कुछ नया कार्यक्रम होते हुए मेरा नाम है फिर फसा दे अब और किसी नए तरीके से फसा दे दीवार में दे दी ओ दिनेश ऐसा कर या उठा और हाथ ते ले चल धक्का मार मार के घर के हाँ तो ये हल्की सी तो है तू बैल की तरह आके आगे लग जा और यू पीछे से धक्का मारेगा हाँ ओ दे हमें लटका दे यहाँ पीछे नहीं तो यहाँ हैंडओवर में ना लेसन लगा के ओए ओ यार पीछे कच्चा में टाक ले अपने में नहीं तो मामा के में टाक दे भाई ये तो मुड़ भी जाती है हाँ तू झूल सके यहाँ पे वाह 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 वाजी 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 वाह वाजी वाह बहुत अच्छे हो गया पूजन भा अब एक क्या पूजन ओ ओ भाई ये कहाँ करो तुम भाई आराम से यार हल्को हाथ रखो बेचारा ऐसे बिच बिचाक हो तो कहीं भाई छोड़ रहो हाथ में थे गलती वाकी है गलती मत कर देखो भाई ये कुत्ता देखो देखो निकाल दे घर रखो नीचे भाई देखो नीचे आप लोग कहोगे देखो भाई साहब देखो निकालने को हो रहा है एकदम जैसे पागलों की तरह देख रहे हो भैया ये कुत्ता भाई अगर आप कोई परचेस करना चाहते हो ना इस कुत्ते को भाई आप परचेस कर लो और इसको ट्रेनिंग वगैरह जो देनी है भाई दे लो हम पे तो इसका ट्रेनिंग व्रेनिंग हमारे पे तो कुछ हो नहीं रहा आप करो है क्या लाए हो पेप्सी पिएगा दिनेश भी आएगा ओ अब पार्टी तो दे दे नहीं खरीद कर लाए हो 50,000 खर्च कर दिए
अच्छा गाड़ी में निकारे को। चलो भाई ये हमारी नई परचेज आपको कैसी लगी? किसान भाइयों के लिए दिनेश ने एक नई चीज़ खरीदी है, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलो वीडियो देखना सभी का धन्यवाद मामा के, थैंक यू सो मच। ओके अब आप कितने दिन यहाँ पे रुकोगे अभी आप? मैं 1 महीने। चलो भाई अब की बार ये पहली बार यहाँ पे आया है जो ये बिना बुलाए खुद से आ गया है लड़का, नहीं तो अब ये भाई भाव ज़्यादा खाने लगा है, अभी ज़्यादा इतराने लगा है लड़का। हाँ अभी ज़्यादा उसमें आ चुका और किसानों का ना भाई अभी क्या है कि खेती का काम चल गया है, अभी गेहूँ बुबने का टाइम आ गया है, इस वजह से सब लोग जोश में आ रखे हैं, गेहूँ सरसों बुबने का टाइम सब जोश में चल रहे हैं। चलो चलने दो, ये लोग अभी ट्रिप पे से आए हैं घूम के, देख देख क्या की हवा वाली, देख ये ऑटोमेटिक है ना इसलिए भगा लेते हैं इसको सब। एकदम